नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बजट 2018 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र पर काफी फोकस रहने वाला है। इस क्षेत्र पर देश की बड़ी आबादी निर्भर है, लेकिन ये अहम क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। जमीनी हकीकत का जायजा लेने और बजट विश्लेषण को जानने के लिए हम लुधियाना के पास समराला के गांव उटाला में मौजूद हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आर एस घुमन, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एस सी शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र समराला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एसोसिएट डायरेक्टर हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, धन्यवाद। और फाइनेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण सूद, जो कि क्लस्टर बिजनेस लीडर हैं यस बैंक, धन्यवाद आप सभी का। और साथ ही इलाके के कई किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात बताएंगे और किस तरह की दिक्कतें रहती हैं, साथ साथ उनकी क्या मांगे हैं आने वाले बजट से। आपके पास हम कुछ ही देर में रुक करेंगे, पर उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम शुरू में बातचीत, आइए बिगिन करते हैं। प्रोफेसर साहब, बात हम आप ही से पहले शुरू करना चाहेंगे। सरकार कह रही है उनका काफी इस बार प्रायोरिटी रहने वाली है कृषि क्षेत्र पर, और जो भी अर्थव्यवस्था में जो फायदे हैं वो क्लियर और एविडेंट तरीके से कृषि क्षेत्र में भी नजर आए, पर आप बताएं जमीनी हकीकत को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको आप कैसे ओपनिंग कमेंट में समझाएंगे? देखिए सौरभ जी, बात यह है कि जो कृषि है सेक्टर, इसमें अभी भी 50 से 55% तक जो वर्कफोर्स है लगी हुई है, और जो पूरे इंडिया में जो आमदन में इसका हिस्सा 14 से लेकर 15% है। ये अपने आप में ही क्राइसिस है कि 55% जो वर्कफोर्स है वो 15-14% केवल आमदन उसके हिस्से आती है। दूसरा जो बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि गांव में अभी भी 68% से ऊपर तक जो पूरी वसों है हिंदुस्तान की उसका गांव में रह रहा है, और 72% जो है वर्कफोर्स वो गांव में है। तो उस पिछले चार दहाकों में खास करके जो कुछ वापर रहा है, और खास करके पिछले 15-20 साल से जो किसान और खेत मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो कृषि क्षेत्र के संकट की मुंह बोलती तस्वीर है जी। वरुण साहब, आप बताइए, क्या ये जो कृषि क्षेत्र है, क्या ये प्रॉफिट मेकिंग मतलब मुनाफे का काम नहीं है? क्या इसमें नुकसान ज्यादा है? आपका क्या नजरिया रहा है, क्या आपने पाया है? जी सौरभ जी, ऐसा है, यस बैंक के जो हमारे MD और CEO श्री राणा कपूर जी हैं, उनका भी यही विजन है कि जो कृषि का विकास है वह संतुलित और सम्मिलित होना चाहिए। संतुलित और सम्मिलित विकास होने के लिए हमारी तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, प्रभावशाली नीति का ढांचा। दूसरा, डिजिटल नवोन्मेष जो आज की आने वाली अर्थव्यवस्था का प्रभावशाली यंत्र रहेगा। और तीसरा, उसका परिस्थिति प्रौद्योगिकी तंत्र जिसके अंदर वो काम कर रहा है कृषि किसान, वो उसके लिए अनुकूल होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें मिलकर किसान को प्रोत्साहन देती हैं और उसे ऊर्जा देती हैं आगे बढ़ने के लिए, तो क्यों ना ये एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज हो, क्यों ना एक लाभदायक। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो थोड़ी चिंताजनक है। कहीं ना कहीं या तो कहीं ना कहीं फेलियर है, या बैंक का ले लीजिए या किसी चीज़ का ले लीजिए, कि कहीं ना कहीं हमारी जो पेनिट्रेशन है, जो किसान के पास पहुँच है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। उस पर हम इस पर, जैसे कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कहा है कि अगला बजट भी 2018 का प्राथमिकी एग्रीकल्चर पे रहेगी, कृषि पे रहेगी, तो हमारा एक बहुत ज़रूरी है कि हम किस छोटे और लघु और छोटे किसान जिनको 8% हमने कर्जा देना है, उनको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। आप ये भी देखिए कि कितनी अजीब सी विडंबना है कि 80% जो लैंड होल्डिंग है, भूमि की जो परिवारों के पास लैंड होल्डिंग होती है, 80% उसमें छोटे और लघु किसान हैं। सिर्फ 20% जो किसान हैं उनकी ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा है, जबकि हमारी जो फंडिंग है, जो बैंकों की जो पेनेट्रेशन है, जो पहुंच है, वो 20% जो किसानों के पास ज़्यादा है, और 80% के पास गैर संस्थाई जो फंडिंग हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, वो उसी पर डिपेंडेंट है। जी जी, आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। शर्मा साहब, आप बताइए,
जमाना बदल रहा है, आपने क्या पाया जो तकनीक की जहां तक बात है, न्यू टेक्नोलॉजी की, किसान उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, और इसके अडॉप्शन में, इसको अपनाने में और आगे बढ़ने में किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं? कृषि विज्ञान केंद्र में हर रोज सुबह से शाम तक जो कृषकों का मेरे पास आना है, कृषक महिलाओं का आना है, उसे ये प्रमाणित है कि उनको कितना विश्वास है कृषि विज्ञान केंद्र में या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनकी तकनीकों में। मेरे साथ में इस वक्त लगभग 3,500 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जिनको हर हफ्ते हम एक तकनीकी मैसेज देते हैं कि इस तकनीकी को अपनाना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा था, कुछ किसानों से संपर्क भी कर रहा था कि उनकी जो कनक है कैसी चल रही है। इस बार इस सीजन में लगभग 1500 क्विंटल जो बीज है, हमारी जो एक PAU की सीड शॉप है, ताकि किसानों को जो प्रमाणित बीज है, जिसकी सिफारिश की गई है, उन बीजों को अपनाएं। और मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि जिस ब्लॉक में हम बैठे हैं, जिन गांव में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारी सिफारिश की हुई जो किस्में हैं, चाहे पहले धान की थी, अभी कनक की आ गई, चाहे वो तेल बीज या फसलों दूसरों का करते हैं, वो सिफारिश की हुई फसलों को ही अपनाते हैं। जी, जिससे सिफारिश की हुई अपनाने से उनकी जो उत्पादकता है वृद्धि होती है, और उससे ही उनकी इनकम बढ़ सकती है। तो उनका आना, और हमारे पास हमने KBK पोर्टल बनाया है, इंटरनेट से जुड़े हैं, और गांव-गांव में हमने इस वक्त 332 हमारे पास किसान दूत हैं। दूत का मतलब वो हमारा एक राजदूत है, जो किसान में जैसे हमारा मैसेज आता है, उसको बाकी किसानों तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, ये बताइए, ये कितना ज़रूरी है कि किसान की जो फसल है, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको उसका सही दाम मिले, और इसको लेकर ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, किसान दो तरह के जो जोखिम उठाता है, एक तो फसल ही है जो ओपन आकाश के नीचे कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसमें होती है, और उसके बाद जो उसका भाव में तय होता है, तो वो किसान खुद नहीं कर सकता, कोई और करता है। सेंट्रल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेज जो है वो करता है, और उसमें उसने पहले ही 25 क्रॉप्स के लिए MSP कर रखी है। लेकिन किसान की जो बेसिक प्रॉब्लम है कि पूरे पैन इंडिया में बहुत से सूबे ऐसे हैं, जो बहुत से प्रांत ऐसे हैं जहां पंजाब की तरह जैसे कनक और गेहूं और झोने की जो मिलता है प्राइस, वो पंजाब की तरह नहीं मिलता। लेकिन पंजाब में भी यही दो फसलें हैं जिनका MSP मिलता है। तो आपका सवाल जो है कि ये कितना ज़रूरी है, किसान का पूरा जो लाइफ का खर्चे का, पूरा लाइफ चलाने का जो निर्भरता है, वो पूरा खेती पर है, तो इसलिए उसका भाव तो अच्छा मिलना ही चाहिए। लेकिन जो पहले नेशनल फार्मर्स कमीशन था, स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, उसमें 50% कास्ट के ऊपर देने का उन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। और ये जो अभी सरकार है, इसके मैनिफेस्टो में भी था कि वो देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि ये हम नहीं दे सकते। सो इसलिए ये तो मिलना चाहिए कि किसान को, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे किसान की निर्भरता है खेती पर, और जैसे उसके खर्चे हैं, और जैसे अभी बोला गया कि 85% जो फार्मर है हिंदुस्तान में, वो स्मॉल फार्मर है, उसके पास इतनी होल्डिंग नहीं है कि पूरे साल का उसको रोजगार मिल सके, उसकी फैमिली चलाने के लिए उसको आमदन मिल सके। आप एक और अहम पहलू बताइए, जहां तक एक तो हमने देखा प्रोड्यूस है, फिर उसको मार्केटिंग करने की बात है, या उसके स्टोरेज की बात है, इस बजट से क्या उम्मीद है, उस पर किस तरह से तवज्जो दी जाए? अगर वो कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रायोरिटी है, तो फिर वो प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में किस तरह से उसको लेकर रोड मैप बनना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अभी तो देखना होगा कि ये बजट की प्रायोरिटी शब्दों में ही है एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ ऑन ग्राउंड होती है, एक तो ये है। दूसरा, किस किस्म की प्रायोरिटीज वो खेती क्षेत्र को देते हैं, क्योंकि खेती क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसी नहीं है कि एक क्रॉप सेक्टर में ही हल हो जाए, क्रॉप से बाहर जाकर भी होगा। आपने बहुत ठीक कहा कि जो उसका प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, वैल्यू एडिशन है, जब तक वो नहीं होती, क्योंकि किसान की एक लिमिटेशन है, वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहा,
वो जो आप जहाँ बैठे हो पंजाब में कणक और जो पैडी की क्रॉप होती है उसको वो क्या करता है, प्रोसेस नहीं करता, उसको मंडी में बेचने जाता है। बेचने में क्या कि मंडी में अनलोड कर दिया और जैसा भाव मिला ले लिया। लेकिन उससे ये बजट जो है इससे मेरी उम्मीद है कि ये वो एक प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है और उसके लिए वैल्यू चेन है, उसके लिए बजट में एक प्रावधान जड़ा वो होना चाहिए। शर्मा साहब ये बताइए, बात हो रही है जो किसान की आय है उसको दोगुना करना है, डबल करना है 2022 तक, उसको लेकर आपने जमीन पर क्या पाया है, जो काम हो रहा है उसको कैसे देखते हैं और इस तरफ बढ़ने के लिए क्या कुछ और करना होगा और ये कितना बड़ा ये चैलेंज है? सौरभ जी बहुत बड़ा ये चैलेंज है, लेकिन दूभर भी नहीं है कि इसको हम नहीं कर सकते। जैसे बात की है कि कृषि में हम बहुत आगे निकले हैं, उन्नत किस्मों को अपनाया, उत्पादकता बढ़ाई, लेकिन अगर इसको हमने जो कृषि है उस पेशा को एक लाभान्वित बनाना है तो एक बात तो करनी होगी कि खर्चे घटाने हैं। खर्चे कैसे घटा सकते हैं? जैसे कुछ भाइयों को मैं देख रहा हूँ चौपाल में कि उन्होंने अपनी भूमि की जांच करवाई, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए, मैं बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ। जैसे पूरे के पूरे गांव में इस वक्त सॉयल हेल्थ कार्ड बने हुए हैं और सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने से क्या होगा, उनको जितनी भी खाद डालनी है उतनी डालेंगे जितनी आवश्यकता है, तो उससे खर्चा कम होगा। केबीके या दूसरी संस्थाओं से जुड़ने से वो एक सलाहकार जैसे वैज्ञानिक है उसकी सलाह लेते हैं, खरपतवार हुआ, कीटनाशक दवाइयों का जो प्रबंधन है वो करते हैं, वो सब जब वैज्ञानिक सलाह लेंगे तो उसके अनुसार करेंगे तो वहाँ भी खर्चा कम होगा। उसके बाद में किसान जैसे अभी बात कर रहे थे कि उनकी जो भूमि है वो सीमित होती जा रही है तो मशीनरी पे बहुत खर्चा है, लेकिन जब वो कस्टम हायरिंग करेंगे कि मशीनरी को सामूहिक तौर से उसको प्रयोग करेंगे तो वहाँ क्या होगा, एक तो खर्चा कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और उनको मशीनरी मिलना शुरू हो जाएगी। जो क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ हैं और जो किसान की जो अगली जनरेशन है वो कृषि के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी अब ध्यान दे रही है, इसको आप कितना बड़ा मुद्दा देखते हैं? अगर एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है और अगली जो जनरेशन है वो उस तरफ आगे बढ़ना भी नहीं चाह रही है। देखिए तो जी ये एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे को आ रही है, आगे प्रॉब्लम आ रही है। इसमें यह है कि खासकर जो लघु और सीमांत किसान हैं हमारे जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, जैसे कि गोमन साहब ने कहा कि उनका जो आमदनी का जरिया लिमिटेड है, एक और रिस्क जोखिम बहुत उठाते हैं क्योंकि वो निर्भर एक ही चीज़ पे हैं, खेती बाड़ी पे हैं। और जैसे कि शर्मा साहब ने कहा कि उनको एक एडिशनल इनकम उनको होना चाहिए, तो हम भी उनको यही कहते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई 2 गाय हैं उनका स्टार्ट करिए दूध बेचना, या आप कोई फार्म की मशीनरी लीजिए ताकि आप अपनी इनकम जो है उसको बढ़ाइए, आमदनी बढ़ाइए। अभी हो क्या रहा है, मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करना चाहूँगा, मैंने कहीं पत्रिका में पढ़ा है कि अगर सिर्फ कनक और जीरी वीट और पैडी को हम खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में उसकी जो इनकम है फार्मर की पूरे साल की 40,000 रुपये होती है तकरीबन। अगर आप उसको 12 से डिवाइड करें, भाग करें, तो तकरीबन 4,500 रुपये, मोटा मोटा 3,500-4,000 रुपये के बीच में बैठता है। और इसी दूसरी तरफ आप देखिए, कोई अगर ट्रक ड्राइवर भी है, जो ट्रक भी चला रहा है या मजदूरी कर रहा है या कोई क्लास 4 एम्प्लॉई कहीं लगा है, तो उसकी इनकम भी हमारे किसानों से कहीं ज़्यादा है। बजट 2018 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हम जायजा ले रहे हैं कृषि क्षेत्र का लुधियाना के समराला के पास एक गांव से, और आइए अब रुक करते हैं सीधा किसानों का और जानते हैं उनका क्या कहना है। किसानों के लिए ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना केंद्रीय गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, झूठे वादे रही है, लेकिन हमारी मांग है जो बजट है उन तो किसानों को नीचे के ले आने के लिए जो कुछ जो करना है वो जमीन लेवल से करें, कागजों में ना करें। अगर छोटा किसान भी है तो वो छोटे पदर पे ही रह जाता है और जो बड़ा है वो बड़ा और होता जाता है। बैंक वाले सिर्फ बड़े की सुनते हैं, छोटे की नहीं सुनते। गवर्नमेंट से ये बेनती है कि जो छोटे किसान है उसका कोई कोल्ड स्टोर का हल करे, जैसे आलू की खेती है या सब्जी की खेती है उसका दाम थोड़ा बढ़ जाए, जहाँ जैसे शहद का काम है उसको रखने के लिए कोई जगह बनाए, जहाँ इसका स्पोर्ट लाइसेंस दे देवे। आलू की फसल बिल्कुल भी बिक भी नहीं रही खेत में जी, 40 एकड़ में आलू लाया है जी, कोई लैंड नहीं आ रहा है, कोई व्यापारी नहीं आ रहा है जी। 7.5-8 रुपये किलो पै रहा है खर्चा, 3 रुपये किलो 2.5 रुपये किलो आलू बिक रहा है जी।
मैं दवाइयों के बारे में कहना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट दवाई बहुत आता है जी। जो दुकानदार होता है उसका भी कोई डिग्री होना चाहिए, उसका भी मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसका भी पढ़ाई होना चाहिए। जितने बच्चे हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी पढ़ाई करके इसको छोड़ कर जो बाहर विदेशों में सेट हो रहे हैं, सब हिंदुस्तान की सरकार की कमजोरी है, क्योंकि उन बच्चों को अपनी पढ़ाई का यहाँ सही मूल और दाम नहीं मिल रहा, ना ही कोई सरकारी नौकरी, ना ही कोई सरकारी उसको धंधा चलाने को कुछ भी इनका कोई सरकार से उसको लाभ नहीं हो रहा। पराली प्रबंधन ते गलत है जी, भी हो सकती है, कोई एड्डी बहुत ही बड़ी गल नहीं है ये वास्ते, कोई ज़्यादा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें किसान को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। पराली के बारे में आपसे हम एक फाइनल कमेंट चाहेंगे, उसके जलाने से दिल्ली में आपने देखा किस तरह से पॉल्यूशन के कई फैक्टर हैं, उसमें एक ये भी बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब ज़मीनी हकीकत को आप किस तरह से इसके साथ जोड़ेंगे, किसानों को कैसे इंसेंटिवाइज इसमें किया जाए, यह तकनीक किस तरह से रोल प्ले कर सकती है, इसके लिए किस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, और क्या आपकी उम्मीद है सरकार से किस तरह से इसको बढ़ा जाए, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए वाकई में जो पराली की प्रॉब्लम है, इसको जलाने की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसका हल होना चाहिए। पंजाब में एक इस सरकार ने वो लीगल बिल पहलू लिया, लेकिन उससे ये हल नहीं हुआ, क्योंकि किसान का मानना है कि उसमें जो मशीनरी है उसका खर्चा बहुत है, दूसरा जो है कि जो पैड़ी को काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद और कनक को बोने के लिए समय जो है वो कम होता है, और उसके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि उसको जलाने के बिना उसका हल हो। लेकिन सरकार को आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? लेकिन हाँ, लेकिन कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं कि कम जो खर्चे से भी पराली का जो जलाना बंद हो सकता है, और सरकार को जैसे मैं पहले भी कहा कि जो मशीनरी जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो पहले आप डेमोंस्ट्रेटिव पद्धर पर लोगों को कन्विंस कराएं, लोगों को ऑन बोर्ड लाएं, और उसके लिए जो मशीनरी है उसका खर्चा सरकार, नबार्ड बैंक है ना जो, उसका वो सीधा साधा किसानों से संबंध है और उसकी स्कीम्स है, उसको बीच में लाकर वो करें कि कैसे वो पराली का जलाने का खत्म हो सकता है। शर्मा जी आप बताइए, आप इस पर क्या कहेंगे, आपने क्या देखा है यहाँ पे आसपास के गांव में? जैसे कि अभी एक किसान भाई भी अपना तजर्बा जो है हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि प्रबंधन हो सकता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि कुछ किसानों ने इस बार, जैसे गांव एक तिवाला है इस साल, उन्होंने बिल्कुल भी पराली को नहीं जलाया। उससे पहले एक पवात गांव था, उसमें भी कुछ किसानों ने ऐसा सामूहिक तौर पे फैसला ले लिया कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, और वहाँ पर एक किसान ने, नौजवान किसान ने, जिसे हैप्पी सीडर हम बोलते हैं, जिससे जो पराली खड़ी होती है उसके बीच में ही कनक की बुआई करते हैं, तो उसने पहले तो अपने आप किया, जब उसको अपने पे भरोसा आ गया तो उसने एक कस्टम हायरिंग, कि जिसमें हम कह रहे हैं कि मशीनीकरण जो है, हर किसान मशीन तो नहीं ले सकता, तो जब एक किसान जो है वो सामूहिक तौर पे मशीनीकरण का एक सेंटर बना लेंगे और उस सेंटर में से उन मशीनों का प्रयोग करेंगे, तो शायद उनका ये जो है इसमें उनको फायदा होगा। धन्यवाद। लास्ट वर्ड वरुण साहब, आपकी तरफ से वित्त मंत्री के लिए क्या विशलिस्ट है, क्या किया जाए इस क्षेत्र के लिए? देखिए जी सौरभ जी, पहली विशलिस्ट तो यही है कि जो रेगुलर हमारे पे करते हैं, क्योंकि मैं बैंक का पर्सपेक्टिव रखूंगा, तो जो रेगुलर हमारे पे कर रहे हैं किसान, जो नियमित तौर से किस्तें भर रहे हैं, आप आज भी देखिए यहाँ पर किसी ने कर्जा माफ़ी की कोई बात नहीं की, तो ये देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनको पता है कि हमारा जो खेतीबाड़ी से जो रुझान है हमारा, ये चाहते हैं कि हम खेतीबाड़ी से जुड़े रहें। अगर किसान ये सोचता है कि मैं खेतीबाड़ी को जायदाद ना लेके एक व्यवसाय की तरह से खेती करूं, तो वो उसमें सफल होएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो किसान भाई रेगुलर अपनी पेमेंट घुमा रहे हैं उनको प्रोत्साहन दें, किसी भी तरीके से दें, चाहे किसी भी पहचान उनको प्रदान करें, एक तो ये है। दूसरा कस्टम हायर का बताया है शर्मा साहब ने, बिल्कुल जी, हमने यस बैंक से आज ही हमारा एक प्रोडक्ट अप्रूव हुआ है। शर्मा साहब से बात हो रही थी पहले कि अगर कोई कस्टम हायर, क्योंकि छोटे किसानों तक महंगी मशीनरी पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो अगर कस्टम हायर प्रोसेस है, अगर उसमें कोई अगर दो या तीन फार्मर्स किसान मिलके मशीनें खरीद के अपने पास स्टोर करते हैं और किराए पे अपने किसानों को देते हैं,
तो इसमें लागत भी उनकी कम हो जाएगी जो छोटे किसान हैं, और उनका भी जो मशीनों का यूज़ भी होता रहेगा। तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और कुछ ही दिनों में हम इसको ले आएंगे मार्केट में। तो कस्टम हायर को हम फाइनेंस करने के लिए शर्मा साहब हमने तैयारी कर ली है। और एक और हमारी विशलिस्ट है कि जो MSP है उसका रिवीजन अगर हो जाए, क्योंकि हर तरफ से हमारे को ये, हम अभी भी बैठे हैं तो यही मेन इनका डिमांड है कि जो गैप है, जो इनपुट की कॉस्ट है और जो इनको प्राइस मिल रहा है उसमें बहुत कम रह गया है, उस गैप को दोबारा अवलोकन करने की उसकी ज़रूरत है। और उसको अगर सही तरीके से हम रिवाइज करके अगर कर पाएँ कुछ उनकी तरफ से तो ये बहुत बढ़िया रहेगा जी। तो इसी नोट पर कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। तो लुधियाना के समराला के पास स्थित ओटाला गांव से ये थी हमारी कृषि क्षेत्र पर खास पेशकश। बजट 2018 से जुड़े अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के लिए आप देखते रहें जी बिजनेस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।